युवा सेना पदाधिकारी संवाद द्वारा मराठवाड़ा पश्चिम महाराष्ट्र के बाद अब विदर्भ के नागपुर में पहुंचा। विदर्भ में पदाधिकारी संवाद दौरे की शुरुआत नागपुर से हुई है। इस दौरान युवा सेना के राष्ट्रीय सचिव वरुण सरदेसाई इन्होंने पत्रकारों से संवाद साधा। युवा सेना पदाधिकारी संवाद दौरे के दौरान कार्यकर्ता मेले का आयोजन चतुर्वेदी कॉलेज में किया गया। इस दौरान युवा सेना के राष्ट्रीय सचिव वरुण सरदेसाई इन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और पक्ष विस्तार के कार्य के लिए युवाओं को प्रेरित किया है। ईडी असेल, सीबीआई असेल, आईटी असेल, हे सगळे आता शेवटचे त्यांच्याकडे उरलेले पर्याय आहेत, पण लोकांच्या मनात दो साहेब व त्यांचं संपूर्ण सरकार हे आता भिनलेलं आहे, त्यामुळे या कोणत्याही प्रयत्नांना यश प्राप्त होणार नाही। कितीही असे फालतू प्रयत्न केले तरी हे महाविकास आघाडी सरकार हे भक्कम आहे व उद्धव साहेबांच्या नेतृत्वात ते पूर्ण 5 वर्ष उत्तम रीतीने काम करेल। पटोले साहेब हे काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष आहेत, ते जे काही वक्तव्य करतात त्यांच्या संदर्भातील जी काही शिवसेनेची भूमिका असते ते आमचे शिवसेनेचे अधिकृत प्रवक्ते आहेत, ते नेहमी मांडत असतात। आम्ही आज या ठिकाणी युवा सेनेचा पदाधिकारी संवाद दौरा करायला आलो आहे। प्रत्येक गावात, प्रत्येक शहरात युवा सेना कशी वाढेल हे आमच्या समोरचं ध्येय आहे, उद्दिष्ट आहे व ते आम्ही करायला। कार्यकर्ता मेले के दौरान पत्रकारों से चर्चा करते हुए वरुण सरदेसाई इन्होंने कहा कि सिर्फ युवा सेना ही नहीं, नागपुर के युवा पूरे जोश से हमारे साथ है। साथ ही नागपुर भाजपा का गढ़ है या नहीं ये पता नहीं, पर जिस तरह का कार्य महाविकास आघाड़ी सरकार, मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे इनके नेतृत्व में करी है, वह कार्य राज्य के कोने कोने तक पहुंचा है और हमें यह विश्वास है कि शिवसेना कोई भी चुनाव पूरे दम के साथ जीतेगी। कैमरा पर्सन राजकुमार मोहट के साथ क्षितिजा देशमुख की रिपोर्ट।